हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक शूट पे जाऊंगा, जो मेरा मैंने बोला था कि अपकमिंग शूट होने वाला है, तो आज मैं जा रहा हूँ शूट पे। तो आज मेरा यार हेल्पर नहीं आया, मेरी होगी। सामान संभालते संभालते तबीयत सी ऐसी बस ढीली सी पड़ गई। असिस्टेंट आया नहीं। असिस्टेंट कहता मेरे को लेके जाओ भैया घर से, आगे शादी होगी। अब कहता मैं पैदल पैदल नहीं आता, ससुराल वाले मिल जाते हैं। चलो मैं ले चलते हैं आपको, और उसको लेके मैं जा रहा हूँ शूट वाले पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने कहाँ जाना है, कोको हेयर यूनिसेक्स सैलून। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कौन मॉडल है हमारे साथ, क्या शूट करना है हमने। अच्छा वो खड़ा है सामने, आज इसकी भी क्लास लगाते हैं, इसे मजे लेंगे। टाटा टाटा, इसका नाम सोनू है। सोनू या आ गया। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त, आया क्यों नहीं, पैदल क्यों नहीं आता, ससुराल वाले मिल जाते रास्ते में। कहता शादी हुई है, नहीं नहीं ससुराल वाले मिल जाते, मैं तो नहीं आ रहा पैदल। चलो कोई बात नहीं, बैटरी है एक ही लाया है। ओके अब अपने को ना बस शॉप से एक बारी सामान उठाना है। जाली लगा ले यार, उतार रखी थी भाई ने ना, उल्टी उल्टी। हाँ ये वाला पास इधर कर, नहीं उल्टी लगा रहा है ऐसे शायद। हाँ ऐसे इधर से पीछे कर ले अगर करता है तो, बाकी ठीक है। सो इसका नाम सोनू है, ये मेरा असिस्टेंट है, बढ़िया हेल्प करता है, काम को चाहता नहीं, इसको इस काम संभाल लेता है सारा। उससे अमन से सामान लेना, एक स्टैंड लेना अमन से। अमन से हाँ। ओके आप लोगों को फिर हम वहीं जाके मिलते हैं सैलून के बाहर। गर्मी बहुत है यार, सैलून के बाहर जाके आपसे कंटिन्यू करता हूँ। अभी थोड़ा सा है 5-7 मिनट का रास्ता। बाय बाय। अभी मैं शॉप के पास आ गया हूँ, शॉप के पास आ गए यार, बस एक स्टैंड उठाना है। तो एक काम करो, उसको फ़ोन नहीं करता, दूसरा फिर जाके उठाया, इतने में फ़ोन मिलेगा, इतने में तो आप स्टैंड ही ले लेंगे। जा एक सेकंड रुक, पापा पापा जा थोड़ा सा वीडियो वीडियो छिड़क लेते हैं, गर्मी बहुत है यार। यहाँ तो बादल आते हैं, बारिश नहीं आती, फिर बादल आते हैं, फिर बारिश नहीं आती, फिर धूप आती है, फिर 4 बूंद बारिश आती है। ऐसा फतेहाबाद है हमारा, ऐसा देश है मेरा। ओके गाड़ी अच्छे से लॉक करके आइयो, ले आ सारा सामान। सो पहुंच गए हम शूट वाली जगह पे, पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा सा गली के अंदर है ये रहा। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था ना, कोको यूनिसेक्स हेयर सैलून। ये गितेश भी हमारे, क्या प्लीज प्लीज बहुत बढ़िया। सुनो अंदर रेडी हो रहेंगे अभी। ओके ये सैलून है अंदर। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारी आज की गॉर्जियस मॉडल सर्वांगी। हाय, अब यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है देख लो। या मेकअप आर्टिस्ट कहता है उसी कर लो। ये सारे लोग हैं, ये यहाँ पे इनकी टीम है, ये मेरा बंदा है, एक भैया बाहर खड़े हैं, ये मैं हूँ। ओके हो गया, करें स्टार्ट। ओके
शूट अमेजिंग जा रहा है, आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर्वांगी भी। ऑलमोस्ट 50% शूट हो गया है, 50 बाकी है। कुछ ज्वेलरी है, कुछ ज्वेलरी ऐड ऑन कर रहे हैं कुछ। क्या ऐसे लग रहा है लाइव आ रहा है? अच्छा ओके। तो ये पता नहीं अपने किसी एक कोई खास फ्रेंड को याद कर रहे हैं क्या नाम? ओके हम कल नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना, हम करना चाहते इतना बहुत है। ओके थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन चल रहा है, उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट शूट करेंगे, और इसके बाद अब जल्दी करेंगे और बस आप देखते रहो। आपके साथ 3-4 महीने बाद अभी दिखाएंगे नीचे इंस्टाग्राम पे, मैं सर्वांगी का और गितेश का और सलून का सारे इंस्टाग्राम के आपको मैं लिंक्स दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो फोटोज। सैलून गितेश मेरी प्रोनंसिएशन ठीक कर रहा है भाई, ऐसे ही है हम गितेश कह रहे हैं, सलून नहीं बोलना है, इट्स सैलून। ओके गॉट इट। ये हमारे सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदे, अभी हमारा शूट खत्म हुआ है और ये हिसाब किताब करने लगे हैं सबका। सबका ये हमारी मॉडल का असली रूप देख लो। ओके एंड नाउ वी डन विद द शूट। शूट अच्छा रहा हमारा काफी, और ये शूट मैं डालूंगा लाइक 2-3 दिन में इंस्टाग्राम पे, आप वहां पे देख सकते हो। और नाइस एक्सपीरियंस था, यहाँ पे मेरा पहला ही शूट था तो सब सही लगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ से। मैं एंड साहिल गाबा, ये रहा मैं और साहिल गाबा आए थे बाहर कुछ खाने पीने, घर पे तो हमने कह रखा दोनों डाइट पे हैं, बाहर खाने पीने आ जाते हैं, पर यहाँ पे एक है देसी क्रस्ट तो अच्छा इनका है खाना पीना, तो मैंने भाई ऑर्डर किया, मैंने इसे फ़ोन किया तो इन्होंने ये देखो क्या चीज़ मतलब करके दी है, पसंद आया मेरे को। जैसे हमने पास्ता ऑर्डर किया था तो इन्होंने ये देखो ये क्या क्या लिख के दिया है, पढ़ लो, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा वो सब। तो इनके भी एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया सा है ये देसी क्रस्ट, जैसे इन्होंने हैशटैग देसी क्रस्ट डाल के दिया, दे वॉन्ट ट्रैक ये प्लान डिकांड बहुत लिख के दिया, थैंक यू देसी क्रस्ट वालों, आपने इतना ये सुंदर सा लिख के दिया और हमारे को इसका बिल समझा, थैंक यू सो मच। लग साल का भी खा लिया।